is this as good expected? Yes. Is this as good as it looks? Yes. Is it as healthy as it looks? Yes. Will I eat it again? Yes, yes, yes. साहिबान मेहरबान कदरदान इधर दीजिएगा अपना ध्यान, आपके सामने आ गए मिस्टर टिक्कू आपकी जान। और आज हम खाने आए हैं वेज खाना। ओए होए, हम और क्या खाने हैं, हम खाना खाने आए हैं हेल्दी फूड। ओए होए, क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, बिकॉज आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा हेल्दी फूड खाते हुए, वेज फूड खाते हुए बहुत कम देखा होगा, सिर्फ चाट पकौड़ी और वेज खाते हैं। लेकिन आज हम आ गए हैं तिल्ला नगर की मार्केट के अंदर, लाइट मार्केट के अंदर। यहाँ पे खाने वाले हैं हम बढ़िया सा वेज खाना, बढ़िया सा हेल्दी खाना, और साथ में एक बहुत ही बढ़िया इंसान के हाथों से बना हुआ खाना। बड़े भैया का नाम है विक्रम जी, और उनके चेहरे का जो नूर है वो बताता है कि उनके खाने के अंदर जो पौष्टिकता भरी हुई है, जो प्यार भरा हुआ है, वो है कैसा। आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ? बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार है, बिल्कुल मेरी तरह। आइए, क्या जल्दी भैया कैसे हैं आप? सही, तो जल्दी से लगा दीजिए, आप अपना काम कर लेंगे, हम सब गप्पे मारते रहेंगे, वो हमारा काम है, आपका काम उठा लगाना है। कैसे हैं आप भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सही भाई। और आप क्या बनाते हैं, क्या खिलाते हैं? सब्जियां खिलाते हैं, रंगी सब्जियां, एक्सोटिक सब्जियां। सही, सो यू कैन सी रंग बिरंगी बढ़िया सी सब्जियां, आप रंग दे सकते हो, बिल्कुल खिला खिला रंग, और बिल्कुल है क्या क्रंची सब्जियां जी, मतलब सही। तो आप एक बताते हो हमें क्या खिलाएंगे? सर यहाँ का मशहूर है गन पाउडर रैप। गन पाउडर रैप, हाँ जी सही। और स्पाइस होता है सब जानते हैं, बिल्कुल जी। और ये अनहेल्दी नहीं होता है स्पाइस, सही जी। ठीक है, तो मतलब इसके वेजेस के ऊपर डाल के इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और टेस्टी का टेस्टी क्या होता है ना, हम सब्जियों से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। सही, तो अगर आप वेज खाने के शौकीन है, हेल्दी खाने के शौकीन है, और राजमा चावल इज ओनली ऑप्शन, देन यू आर रॉन्ग मैन, यू हैव टू कम टू तिलक नगर एंड कम टू विक्रम भैया। और आप हमें खिला रहे हैं आज स्पेशल गन पाउडर विद कॉटेज चीज, उसके अलावा क्या खाना है? कैसेडिया ट्राई कर सकते हैं? नहीं यार, कैसेडिया नहीं, उसके ना वार्ड बड़े मुश्किल होता है, वर्ड लोग कहेंगे गालियां देंगे, क्या कैसेडिया? कैसेडिया मुझे आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ जी भैया। तो एक कैसेडिया खिला दीजिएगा, और एक खिला दीजिए हमको स्पेशल गन पाउडर विद कॉटेज चीज, और तब तक आप बात कर सकते हैं अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं। वाह, मतलब वो उधर देखो, हमको मत देखो, कलाकारी वहां पे है, ये देखो। ओहो भैया, कहाँ पे सीखी आपने कलाकारी? सर 2010 से सीखता आ रहा हूँ। अरे वाह, सही, सीखता आ रहा हूँ, और मेरा मकसद ये है कि सीखते रहना है। सही, जिस दिन सारा सीख गया था कहानी खत्म हो जाती है, इसलिए हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ, यूट्यूब वगैरह सर्च करता हूँ क्या नया है क्या नहीं है, तो बस ऐसी है अपनी कहानी भी। सही जी, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं कि इंसान पूरा हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब इंसान जिंदा है तो अधूरा है, और अधूरा तभी है बिकॉज वो रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है। आपका काम, जिस दिन आपने कहा सब कुछ मिल गया, सब कुछ सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो कृपया करके ऐसा ना कीजिए, हमेशा अधूरे रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। जैसे विक्रम भैया ने बताया, इट इज अ ग्रेट लर्निंग दैट यू मी एंड एवरीबडी शुड ओवर हियर फॉलो दैट। और हम वापस चलते हैं आपके पास, ये पीली सब्जी का नाम क्या है भैया, बताइए ना? ये तो बेल पेपर है, ये जुकीनी है। सही, तो ये है जी जुकीनी, और ये क्या है सर, ये उसकी बहन, ये कमीनी, ये भी जुकीनी है, ये ग्रीन है, ये येलो। सही जी, तो अपना मैंने कभी नहीं देखी, बट आपको दिखाई दूं, ये येलो कलर की जुकीनी है। ठीक है, और सब्जियों को मेरे को इसको पकाना नहीं है, एक्टिवेट करना, जिसे हीट कहते हैं। ठीक है जी, और तुम ये सब्जी डालिए कोई सुपर फास्ट स्पीड पे बोल दीजिए। सर इसमें बेल पेपर हो गया, ब्रोकली हो गई, इसमें दोनों जुकीनी हो गई, अब इसमें कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गई, टमाटो हो गया। टमाटो कुकुम्बर मस्ट है इसमें डालने, क्योंकि कुकुम्बर और टमाटो ये रस छोड़ता है, इस रस के कारण ये सारी सब्जियाँ बनती है। क्या बात है, सुनो जी, अगर आप भी अपने घर में कोई बनाना चाहते हो, टमाटो कुकुम्बर डाल दीजिए, जिसमें रस आ जाएगा, और अगर आपकी सब्जी गलत बने तो हमें दोस्त में दीजिएगा, गलती आपने की है, हम तो आपको सब बता सकते हैं, डालने का तरीका भी होता है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा विक्रम जी भैया के पास तिलक नगर में लाइट मार्केट के अंदर, और खाना पड़ेगा इनके हाथ का बना हुआ बढ़िया सा वेज खाना, बढ़िया सा हेल्दी खाना। मैं बोलते रहूँगा वीडियो के एंड तक, वेज और हेल्दी, वेज और हेल्दी, वेज और हेल्दी। ये तोड़िया है, जिसके अंदर घिया और पालक,
डाल के इसको सिर्फ जूस यूज किया हुआ है, इसका पल्प नहीं, कोई सॉल्ट नहीं है इसमें, कोई ईस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। और आप देख सकते हो जैसे आटे में भी सॉफ्टनेस पूरी हो गई। ये कितना साल हो गया? 1.5 साल हो गया आपको? यस सर, 1.5 साल हो गया। तो प्यार मिला यहाँ पे? बहुत प्यार मिला, बहुत सही मिला है, और लोग अब जानने भी लगे खाने के बारे में। अभी इवन बहुत मतलब यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं, 3:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। ठीक है जी। और ये सर यहाँ पे होता है या डिलीवरी जो होती है? सर अभी डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो भी खाना मतलब खाने ही आना पड़ेगा, खाने आना यहाँ पड़ेगा। सुनो जी, इसी बहाने आप तिलक निकालिएगा, यहाँ पे बिल्कुल साथ में पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा, आराम से 7 मंजिल वाला जो आपका मंजिल है उसका पूछिएगा, वॉक करके आइएगा 3 मिनट, और यहाँ पे आपको दूर से खुशबू आ जाएगी भैया के हाथ के बने हुए राज बनते हुए की, और अपना दूर से चमकेगी इनकी येलो येलो सुकीनी। तो रुकिएगा, खाइएगा, बोलिएगा मिस्टर टिक्कू ने भेजा है, ये आपके खाने के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार डाल देंगे। डाल देंगे भैया? सही है जी। तो ये जो जी 3 रैप है ये तैयार हो रहे हैं, इनमें से एक रैप हमारा होगा, हमें पता नहीं वो रैप कौन से वाला रैप है हमारा, बट लेट अस सी। करिए सॉर क्रीम है, ये 1 नंबर है, तो साथ में 2 नंबर है, तो साथ में 3 नंबर। आपको क्या लगता है हमारा वाला कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर? देखते हैं जी, अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कमेंट में, वैसे ही बोल दूंगा। ये क्या लगा आपने अपना? ऐसा लगा सर ये सॉर क्रीम है और ये पेरी पेरी है, पेरी पेरी, क्योंकि ये पेरी पेरी रैप है, ये आगे 2 गन पाउडर रैप है। ओ भैया ने पहले ही बता दिया कि भैया गन पाउडर है कौन से वाले हैं। सो थैंक यू आपके लिए जिन्होंने अभी कमेंट करके बता दिया कि 1 या 2 नंबर है। ये जी आ गए जी फ्रेश फ्रेश लेटस, आप देख सकते हो हर चीज भैया बढ़िया से धो के अच्छे तरीके से डाल रहे हैं, ताकि इनकी जो फ्रेशनेस है वो कायम रहे और उनका जो क्रंच है वो अच्छा लगे और साथ में आपको स्वाद पूरा तरीके से आ जाए। जब सामने अच्छा खाना बन रहा होता है मेरे मुंह पे ना शब्दों की बाढ़ आ जाती है, आज भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। आई एम जस्ट लविंग कितने प्यार से भैया ये बना रहे हैं। और ये आपने बोला कि जो हमारा गन पाउडर है ये 160 रुपए का है, स्पेशल गन पाउडर विद कॉटेज चीज रैप, इसके ऊपर जाएगा गन पाउडर। भाई गन पाउडर भी होलसेल में लग रहा है, इसका मतलब यह कि आप पहली बाइट खाते ही ना मुंह में चटकारा निकलने वाले हैं। और ये आ गई हमारी वेजी। भैया उतना ही डाले जितना सप्ले डालते हो, नहीं तो हमें गाली पड़ती है कि आपको ज्यादा प्यार दे दिया भैया ने। सर ये ग्राम के हिसाब से मैंने रखा हुआ है, ये 250 ग्राम के करीब होगा ये वाला। ठीक है, 100 पीस का है ये, 120 to 130 ग्राम। अच्छा, वो सब 100 रुपीज का है। तो दो जी आपके सामने 160 वाला भी और 100 रुपए वाला भी, मुझे 100 रुपए वाला भी अच्छा लग रहा है और 160 वाला भी अच्छा लग रहा है। ये इसमें गार्लिक डिप है, गार्लिक सॉस, ये स्वीट मस्टर्ड आ गया, ये पेपर सॉस है, ये चिली सॉस है। यार मुझे पता नहीं अभी स्वाद कैसा होगा खाने का बताऊंगा, बट मैं दीवाना हो गया हूँ इनके प्रेजेंटेशन का, इनके मेकिंग का, इनके बातों का, इनके खाने के स्वाद का। भैया थैंक यू बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू। न्यूनिस ऑप्शनल है, मैं पूछ रहा था कस्टमर से कि क्योंकि दिल्ली में यही चल रही है। बिल्कुल। अब इसमें आएगा रेड लेट, रेड कैबेज जाएगी। अरे काम करते हैं, आज तो हम ना एक ही डिश खा पाएंगे, एक तो इतना पूरी भर दी आपने जिस तरीके से, मेरे पॉसिबल नहीं कि मैं 2 खा पाऊँ, इसलिए दूसरे के लिए एक अलग बारी आना पड़ेगा। सो प्यारे दर्शकों आज हम दिखाएंगे आपको सब एक डिश। सही, सही जी। अब ये हो रहा है अपना शूट, ये जाएगा 1:30 बजे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। तो साहिबान मेहरबान करना, मुझे दीजिएगा अपना ध्यान, आपके सामने आ गया मिस्टर टिक्कू जान, और यार ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए साहब बाइट एंड टेल यू।
आपको अच्छा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा खाऊंगा कैसे, काफी बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। Is this as good as expected? Yes. Is this as good as it looks? Yes. Is it as healthy as it looks? Yes. Will I eat it again? Yes, yes, yes. सही। तो मैं यहाँ पे गुरप्रीत सिंह को कहता हूँ आपको बाय बाय। मैं यहाँ पर कहाँ पे हूँ, मैं हूँ रैप पॉइंट पे, लाइट मार्केट अपना तिलक नगर के अंदर, और विक्रम भैया के हाथ का हम खाना खा रहे हैं। आपको यहीं पे आके आना पड़ेगा खाने के लिए। इफ यू आर वेजिटेरियन, इफ यू लाइक हेल्दी फूड, इफ यू लाइक अ टच ऑफ मैक्सिकन फूड, यू हैव टू कम हियर एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ वैरायटीज। आपके पास रैप्स काफी सारे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट सैलड्स भी हैं, आपके पास पास्ता और ऑस्ट्रेलिया भी है, और आपके पास बर्गर सैंडविच भी है। मैं यहाँ पे फिर से आऊंगा किसी और दिन, तब तक मैं आपको कहता हूँ बाय बाय। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू और मेरा एक ही काम है अलग अलग जगहों पे जाना और बढ़िया बढ़िया खाना खा के आपको उस खाने की बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाना। तो एक काम करते हैं, मेरे से अच्छा है आप विक्रम भैया बाय कर दीजिए हमारे दर्शकों को और बुला लीजिए उनको कि आ जाइए और मैं आपका दिल खुश कर दूंगा। आपके पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे।